हेलो, वेलकम टू एनएनएमएस एसएससी हेल्पर्स। स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं परसेंटेज पार्ट 6। हमने पीछे पढ़ा, काफ़ी सारी वेरिएशंस पढ़ी क्वेश्चन में परसेंटेज की, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राइस पे पढ़ा, कंजम्पशन पे पढ़ा, इंक्रीज डिक्रीज पे पढ़ा और काफ़ी सारी वेरिएशंस पे भी हमने पढ़ा। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं और आइए शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है द इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज्ड, फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इट इज रिड्यूस्ड बाय 20%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। पहले तो सैलरी को बढ़ाया गया, बाद में घटाया गया। ठीक है, मैं मान लूँ उसकी सैलरी 100 थी, ठीक है, तो 20% बढ़ा के हमने क्या किया, क्या पाया, 120। ठीक है, 100 प्लस 20% उसका 20, 120, और फिर उसको 20% घटा दिया। अब हम घटाएंगे, वो इस बढ़ी हुई को घटाएंगे, ठीक है, तो इसका 20% कितना हुआ, ये हुआ 24, तो 24 हम घटाएंगे तो अब जो मिली हमें वो 96 मिली। सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी, तो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है उसकी सैलरी में, तो हमारे पास थी 100, अब ये बटा पहले बढ़ाया फिर घटाया तो हमारे पास मिली क्या, 96, तो चेंज कितने का, 4 का हुआ। ठीक है, सो परसेंटेज चेंज क्या हुआ, परसेंटेज चेंज हुआ हमारे पास 4 बाय 100 इंटू 100 इक्वल टू 4%। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 100 मान के। हम इसको, अगर हमें और कुछ नहीं पता तो हम ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या हमें रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट परसेंटेज हमें अगर फाइंड करनी हो, रिजल्टेंट परसेंटेज जब कभी बढ़ा रहे हो कभी घटा रहे हो, चाहे बढ़ा रहे हो, 2% है, एक 10% है, एक 20% है। ठीक है, एक सैलरी है उसको पहले 10 बढ़ाया गया, फिर 20 बढ़ाया गया या फिर घटाया गया, जो भी है, हर उसके लिए बढ़ाओ चाहे घटाओ, हर उसके लिए 2 का जब भी रिजल्टेंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई, एक्स पहले परसेंटेज एक्स दूसरी वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई बाय 100। ये आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी बाई 100। ठीक है, सो इसको हम करते हैं, अगर घटे तो उसका साइन आप नेगेटिव ले लीजिए और जहां बढ़े उसका साइन आप पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, तो जैसे इसी क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में पहले तो 20% बढ़ रही है, ठीक है, बाद में 20% उसको घटाया गया है, तो फर्स्ट 20 है इसको हम प्लस साइन रखेंगे और इसको माइनस, सो इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट जो चेंज आएगा, यानी जो 100 से 96 हम घुमा फिरा के 2% को चेंज करके ला रहे थे, वो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे किया हमने 20 प्लस, अब ये क्या है, रिड्यूस हुई है तो इसको -20 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे इसमें क्या करेंगे, प्लस 20 इंटू -20 बाय 100। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास आ गया -4%, माइनस साइन यहाँ पे दिखा रहा है डिक्रीज को, और सो तो हमारे पास हुआ क्या, 4% डिक्रीज, ये हमारा आंसर आ गया, तो एक तरीका हमारे पास ये भी है। ठीक है, सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या क्या है कि ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन बाय 20%, तो इसमें दोनों को बढ़ाया है, तो बाय व्हाट परसेंट इंक्रीज नंबर इज रिड्यूस्ड सो एज टू गेट बैक टू ओरिजिनल नंबर। अब ये पूछ रहा है कि कितना जो इंक्रीज नंबर है उसको घटाएं कि हम वापस उस पे ओरिजिनल नंबर पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो एक तो हमारा बेसिक तरीका है 100 से फिर 120, 120 का 20% कितना हुआ, 24 हुआ, तो 144। अब हम जो वापिस घटाएंगे तो घटाएंगे कितना, यहाँ पे पहुंचना है वापिस, तो 44 घटाएंगे, सो परसेंटेज जो
परसेंटेज रिडक्शन जो भी होगा वो होगा 44 बाय 144 इंटू 100। सो 2 से 12, 2 से ये, 2 से सॉरी 4 से 18, 4 से 25 और 2 से 9, 2 से 11। सो यहाँ पे आया 11 पंजे 55, 11 दो 22 और 5 27 बटे 9। सो ये आ गया हमारे पास 35/9%। ये हमारा आंसर है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है, इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द स्टूडेंट पास्ट सॉरी फेल्ड इन मैथ, 15% फेल्ड इन इंग्लिश, 25% फेल्ड इन हिंदी। आगे दिया है 5% फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है, 10% फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, 15% फेल्ड इन मैथ्स एंड हिंदी और 2% है वो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। तो पहले तो हमें फेल का पता लगाना होगा और फिर उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। सो इसको हम पहले समझने के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये तीन सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए, ठीक है। इसमें मैं कैसे इनको डिपिक्ट करता हूं देखिए, ये मैथ के लिए मैंने किया, ये हिंदी के लिए, ये इंग्लिश के लिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 20% फेल्ड इन मैथ, यहाँ पे 20% इसमें मैथ में कितने 20% फेल हो गए, हिंदी में कितने बताए, हिंदी में बताए 25% फेल्ड इन हिंदी और 15% बताए किसमें, 15% है इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद इसने कहा कि 5% फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश। अब मैथ एंड इंग्लिश का कॉमन रीजन कौन सा है, ये है। तो यहां कितना 5% फेल्ड इन, यहां पे 5% और जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए वो यहां पर, इंग्लिश और हिंदी में कितने फेल हुए 10%, ठीक है, और 15% फेल्ड इन मैथ एंड हिंदी और 15% कौन से हुए मैथ और हिंदी के, ठीक है। और अब जो ये एरिया बच गया, ये जो तीनों में कॉमन है वही तो ये है 2% फेल्ड इन, हम ये फेल को डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2% यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि जो सभी जो तीनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, तो हमें क्या चाहिए कि पूरा रीजन चाहिए, ठीक है। अब ये ही तो फेल हुए हैं सभी, ठीक है, तो पहले ये रीजन, एक ये रीजन प्लस ये सभी रीजन्स भी हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने दो के केस में किया था कि इसको हम एक को कंप्लीट ऐड कर रहे थे और एक को केवल आधा ऐड कर रहे थे, एक का ये पार्ट हम घटा रहे थे। ऐसे यहां पे करेंगे, दो का इनको हम ऐड करेंगे तो ये घटाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये घटाएंगे और इसको भी ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो हम तीनों कॉमन एरियाज यहाँ पे घटाएंगे और प्लस में जो ये इंटरसेक्शन का एरिया है ये करेंगे। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पे आ जाओ, अब घटाना क्या है, जो कॉमन है ए और बी में जो कॉमन है वो घटाओ, फिर बी और सी में जो कॉमन है वो घटाओ, फिर सी और ए में कॉमन है वो घटाओ और जो तीनों में कॉमन है उसको ऐड करना होता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है थ्री के केस में, ठीक है, इन द केस ऑफ थ्री वेरिएबल्स। सो ए यूनियन बी यूनियन सी ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, ये इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन, सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए का कॉमन और ये तीनों का कॉमन, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल फेल परसेंट है
जो टोटल फेल परसेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो करते हैं पुट, ए को हम मैथ को ए मान लें तो कितना है मैथ में 20, इसको हम 15 मान लें हिंदी को, सॉरी इसको इंग्लिश को, और हिंदी को हम मान लें 25। ठीक है, सी हिंदी को मान लिया, ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये मैथ। अब मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश, मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश, तो मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश आ गया 5। सो इसको -5, ये -5, इसके बाद इंग्लिश हिंदी का 10 और ये 15, ये तीनों के कॉमन है तो ये घटाओ, ये 10 और ये 15 प्लस 2, ये तीनों में जो कॉमन है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 15 से 15 कैंसिल कर दो, ठीक है, 20 और 25 45, ठीक है, 45 में से 15 गए 30, 30 प्लस 2 यानी 32%, सोल्व करने पर हमारे पास आया 32%। ये हमारे पास क्या आया, जो टोटल फेल परसेंट है, और हमसे पूछा क्या गया है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, सो फेल अगर 32% है, फेल 32% है तो पास परसेंट क्या हुआ, 68%, 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, सो रिपीट करता हूं, इसमें हमने वेन डायग्राम बनाया तीनों का, ये मैथ के लिए, ये इंग्लिश के लिए, ये हिंदी के लिए, ये कॉमन एरियाज थे, ये तीनों का कॉमन एरिया था। ठीक है, अब इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये टोटल, ये इंडिविजुअल, ये कॉमन, और ये तीनों का कॉमन। ठीक है, ये दो दो का कॉमन और ये तीनों का कॉमन, और इससे हमें सोल्व करके टोटल फेल परसेंट पता चल गया, और उसी से हमने बाद में फिर पास परसेंटेज काउंट किया। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए, वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए किया था। ठीक है, सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास सेल्समैन से रिलेटेड, ये जो कमीशन वगैरह से रिलेटेड होते हैं। सो देखते हैं, एक कंपनी गिव्स 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन, अपने सेल्समैन को, सेल्समैन कौन होता है, जो सेल करता है, ठीक है, सेल्समैन को वो 12% कमीशन देते हैं। ठीक है, कि भाई तू 100 का सामान अगर बेचेगा तो उसमें से 12 रुपए हम तुझे दे देंगे, कंपनी बोलती है ऐसा। ठीक है, कंपनी बोलती है ऐसा, ऑन हिज टोटल सेल्स, ठीक है, एंड अबोव सेल ऑफ 15,000, और अगर आपने 15,000 से ज्यादा की सेल की तो 1% आपको बोनस और मिलेगा, यानी 15,000 से ऊपर आपको 13% हम आपको हिस्सा देंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इफ द सेल्समैन डिपॉजिट्स, ये अपना 13% लेकर कितना परसेंट बच गया, जो भी बचा वो सबमिट कराता है, कितना है, 52,530 वो इसने सबमिट कराया अपना परसेंटेज लेके, किसको, कंपनी को, आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम टोटल सेल, तो हमें बताना है कि टोटल उसने सेल कितनी की है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, तो हम अगर यहां देखें कि ये 10,000 से नीचे, 10,000 से नीचे तो इसको 12% मिल रहा था, 10,000 से ऊपर इसको 13% मिल रहा है, यहां तक हमने ये समझा। ठीक है, अब अगर 15,000 से नीचे, 15,000 से नीचे इसको 12% मिल रहे थे, अब ये 1% इसको कम मिल रहा है। ठीक है, मैं मान लूं कि उसको पूरी जो टोटल सेल थी, हम मानते हैं एक्स, ये हमने मान लिया क्या, टोटल सेल हमने मानी एक्स, अगर ये इसको कंप्लीटली, कोई 15,000 का दायरा नहीं होता, कंप्लीटली इसको 13% देते तो ये इसको कितने ज्यादा मिलते हैं? तो इसको ये 15,000 से नीचे 1% इसको कम मिल रहा था। ठीक है, तो इसका 1% निकाले हम, तो ये हमारे पास आ गया 150। मैंने यहां देखा कि जो इसको यहां 1% कम मिल रहा है वो कितना है, 150। ठीक है, मैं बोलता हूं अगर ये इसको कंप्लीटली 13% मिलता, शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीटली इसका 13% मिलता, तो ये इसको 150 रुपए ज्यादा मिलते, तो ये 150 रुपए यहां कम जमा करवाता जो इसने कंपनी में
जमा करवाए थे, ठीक है, ये 52530, हाँ 52530 है ये, सॉरी यहाँ पे 52350 आएगा, ठीक है 52350, नहीं तो कैलकुलेशन काफ़ी टिपिकल हो जाएगी हमारी, ठीक है। क्वेश्चन में 52530 है, ये मिसप्रिंट हो गया था, तो ये 52530 नहीं है, ये 52350 है, ठीक है। ये वो सबमिट कर रहा था, अब अगर उसको 150 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, जब वो 13% लेता है, तो वो 150 रुपये कंपनी को कम देगा, तो अब कितने देगा, 52200 रुपये देगा, ठीक है। तो जब एक्स का वो 13% लेता है, तो वो कंपनी को 52200 रुपये डिपॉजिट कराता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 13% उसने रख लिए, तो कंपनी को कितने दिए, 87% दिए, ये बात समझ में आई। कंपनी खुद ने अगर 13% टोटल सेल्स के रख लिए, तो 87% उसने कंपनी को दिए होंगे, और ये 13% हमने ये इसलिए 150 घटा लिया ताकि हमारे पास यूनिफॉर्म 13% हम काउंट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो कितना देगा कंपनी को, 87%, और जो दिया है वो कितना है, ये इतना है 52200, ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे, 6 से जा रहा है, ठीक है 600, तो एक्स हमारे पास आ गया 60,000। तो टोटल सेल्स हमारे पास जो आई वो आई 60,000 रुपए की, 60,000 रुपए की सेल्स हुई थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, 12% सेल्समैन ले रहा था, 15,000 से ऊपर 13% ले रहा था, लेकिन 1% उसको कम मिल रहा था, ठीक है। तो कितना कम मिल रहा था, 150। अगर वो 150 भी ले लेता, यानी पूरे पे 13% लेता, अगर वो पूरे पे 13% लेता, तो 150 रुपये कम देता कंपनी को, 150 रुपये कम देता तो इतने देता, और फिर हमने तो फिर 13% उसने अपना काट लिया, 13 काट लिया तो 87 बच गया। अब वो 87 था वो इतना हमने फाइंड आउट किया, और इससे हमें टोटल सेल्स का पता चल गया। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप अपने आप से भी करके देखिए, काफी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही बेनिफिट मिलेगा। यहाँ हम आपको एक बार केवल बता सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस कीजिए, इसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे बुक्स हैं उनमें मिल जाएंगे, ठीक है। काफी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, काफी कलेक्शंस हैं मार्केट में, सो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आप अपने एग्जाम के हिसाब से परचेज कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन उसी तरह का। सो ए कंपनी अलाउ 7% कमीशन ऑन द टोटल सेल टू द सेल्समैन। 7% मैं मानता हूं टोटल सेल पहले की तरह ही एक्स है, तो उसका 7% उसको अलाउ कर रही है, ठीक है। बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स सैलरी ऑफ ₹3,000, 3,000 रुपये अगर हम उसको 3,000 रुपये पे रख लेते हैं सेल्समैन को, एंड एक्स्ट्रा 4% कमीशन ऑन द सेल्स मोर देन ₹10,000, और उसके अलावा हम 4% और दे रहे हैं मोर देन, जब वो 10,000 से ज्यादा की सेल्स कर देगा, 3,000 तो हम उसको फिक्स सैलरी देंगे, और अगर वो 10,000 से ऊपर की सेल्स कर देता है, तो उसको 4% और एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। ये पहली कंडीशन हमारे पास थी कि हम उसको 7% पे रखें, दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि 3,000 रुपये हम उसको दें, और साथ में 10,000 से ऊपर अगर वो सेल करे तो उसको 4% और दें। सो मोर देन रुपीज दिस देन द सेल्समैन अर्न्स ₹800 मोर, तो इस केस में वो ₹800 ज्यादा कमा लेता है, ठीक है, इस केस में वो ₹800 ज्यादा कमा लेता है, तो हमें बताना है कि टोटल सेल कितनी है, ठीक है। तो पहला केस तो ये कि यहां तो उसको मिल रहा था कितना, 7x/100, और यहां कितना मिल रहा है, 3000 प्लस, अब 10,000 तक तो उसको कुछ नहीं मिल रहा। अब 10,000 जो एक्स है उसमें से 10,000 तक तो उसे कुछ नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद उसको एक्स में से 10,000 हमने माइनस कर दिया, उसके बाद उसको 4% दिया गया, ठीक है। तो यहां से हमने निकाला कि 3,000 प्लस 4
बाई 4x बाई 100 माइनस 400। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आई 4x प्लस 4x बाई 100 प्लस 2600। ठीक है, तो यहां पे उसको ये मिल रहा था और यहां पे इसको ये मिल रहा था, लेकिन इस केस में उसको 800 रुपये कम मिल रहे थे, यहां पे 800 रुपये ज्यादा मिल रहे थे। तो अगर या तो मैं इधर इसमें से 800 रुपये घटा दूं या फिर मैं इधर 800 रुपये जोड़ दूं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने 800 रुपये इसमें से घटा दिए इन दोनों को बराबर करने के लिए। तो यहां क्या आया, 7x/100 इज इक्वल टू 4x/100 प्लस ये 800 घटाने के बाद 1800। 800 क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो दोनों को इक्वेट करने के लिए, बराबर करने के लिए हमने 800 रुपये वो कम करने होंगे, तभी ये दोनों इक्वेशन बराबर होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, इसको इधर लेके गया मैं 3x/100। ठीक है, यहाँ पे 1800, 3 से काटा 600, तो एक्स कितना आ गया 60,000। तो यहाँ टोटल सेल कितनी आ गई, 60,000 रुपये की टोटल सेल आ गई। एक बार फिर देखिए, यहाँ पे सेवन, एक कंडीशन है कि वो 7% दे, ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि 3,000 रुपये पे उसको रखे और साथ में 10,000 रुपये से ऊपर अगर वो जो सेल करे तो उसको 4% और दे। लेकिन इस केस में क्या कर रहा था कि उसको 800 रुपये ज्यादा मिल रहे थे, तो हमने यहाँ पे सोल्व किया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई थी। ठीक है, ये कंडीशन आने के बाद हमने देखा कि इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, ये रकम उसी के पहले वाले के बराबर हो जाए अगर इसमें से हम 800 लेस कर दें, क्योंकि यहाँ 800 एक्स्ट्रा कमा रहा था। ठीक है, तो हमने वही किया और यहाँ से एक्स फाइंड आउट कर लिया और एक्स ही हमने टोटल सेल्स माना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये उठाए थे, और ये हमने अलग अलग पार्ट्स में, अब तक 6 पार्ट्स हुए हैं, तो सो अलग अलग पार्ट्स में हमने इन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को उठा के, अलग अलग डिफरेंट जगह से हमने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर प्रीवियस क्वेश्चंस, सो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, सो आप इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज फॉर यू, और हम आपकी हेल्प के लिए आगे भी तैयार रहेंगे। सो आज यहीं तक रखते हैं, आगे नया जो भी चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो भी अपडेट होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर हमारे ये वीडियोस या लेक्चर्स और अलग टॉपिक्स पर भी देखने हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, दिस इज कंप्लीटली फ्री एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, और सो थैंक यू वेरी मच सो विद कनेक्टिंग अस फॉर कनेक्टिंग विद अस, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, और वी आर रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।